हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग पैट का एग्ज़ाम जो कल और जो परसों एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो पैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। ठीक है, आप बहुत अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। अब एग्ज़ाम में क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए और आपको एग्ज़ाम कैसे हैंडल करना चाहिए, इस पर 2 मिनट बात करने जा रहे हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कुछ ले जाने की। आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और अपना आधार कार्ड, एक आईडी अपनी लेके जाएंगे, ठीक है, और अपने 2 फोटो एक्स्ट्रा ले जाएं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 2 फोटो अपने एक्स्ट्रा ले जाएं। इसके साथ में क्या होगा, रिलॉन्ड्स का पेन आता है, रिलॉन्ड्स का पेन आता है 10 रुपये वाला, मोटी निब का एक तो हमारा होता है, पतली निब वाला पेन आता है, एक 10 रुपये वाला पेन आता है। ब्लैक पेन लेके जाना, आपको दो पेन लेके जाने हैं, रिलॉन्ड्स के पेन लेके जाने हैं, 10 रुपये वाले, मोटे वाले, जो मोटे चलते हैं, जिससे क्या होगा कि गोला भरने में आपको आसानी होगी। ये तो आपको लेके जाना है, ठीक है, और थोड़ा सेफली जाएं कि ऐसा ना हो कि भगदड़ में कि कहीं बस के ऊपर चढ़ जाएं, ये कर जाए, आराम से जाना है। ऐसा नहीं कि भाई एग्ज़ाम एक है, एग्ज़ाम दो और दे लेंगे, ज़िंदगी सबसे प्यारी है, ठीक है, ऐसा ना हो चोट फेट लग जाए आपके, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे आपको हैंडल करना है, एग्ज़ाम को कैसे करना है, देखिए पहले मैं बात एग्ज़ाम में हम दो कैटेगरी करते हैं कि दो कैटेगरी ऐसे हैं कि एक ऐसी कैटेगरी है जो 70+ जा रही है। अगर आप एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में देखिए एक बोलते हैं ना तुक्का, तुक्का कहना गलत होगा, अनुमान ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको अनुमान लगाना जरूरी है। अगर जो बंदा अनुमान नहीं लगाता, वो कहता है मैं पेपर पास कर लूँगा, वो झूठ बोल रहा है। आपको एग्ज़ाम में अनुमान लगाना ही पड़ेगा, बना अनुमान के आपको पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन तो आपको कन्फर्म, ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं कि 100 के 100 हमको पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें प्रिडिक्शन लगाना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि क्या होगा। तो कैसे करेंगे, उनको कैटेगरी करते हैं। अगर आप 70 नंबर कर लिए आपने, पहले क्या करना है कि क्वेश्चन ऑफलाइन हमारा है तो पेपर को खोला, सॉल्व करते चले गए, जो पेपर जो क्वेश्चन 100% आ रहा है उस पर टिक मारते चले गए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन, सीट नहीं भरनी है, जैसे पेपर को खोला करते चले गए। जो भी सेक्शन अगर आपको पहले आ रहा है तो वो सेक्शन पहले कर लो, लेकिन आपको जिसमें 100% पता है वो क्वेश्चन करते चले जाओ। अब वो क्वेश्चन करते करते हम लोग चले गए, लगभग हमारा जितना भी समय लगे, मान लो 1 घंटा, मान लो कि 1 घंटा आपको लग गया, आपने 70 क्वेश्चन या 70 से 75 के बीच में पहुंच गए आप, ठीक है, तब आपको क्या करना है कि 70 से 75 अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको क्या करना है, वो 70 से 75 अगर आप 70 और 75 70 70+ हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप 70+ हैं तो जितनी भी सीट्स हैं आप OMR सीट अपनी भर लो, ठीक है, इसके बाद आपको समय बचेगा, आप फ्री माइंड होंगे। अब क्या करना है, जो 25 मान लो हमने 75 कर लिए, 25 क्वेश्चन बचे हैं, तो 25 क्वेश्चन को छोड़ के मत आ जाना कि हाँ ना हमारा ये है और हम सही 75 हमारे हो गए ना। देखो आपको अब उसमें क्या करना है कि आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर हमने 75 किए हैं तो इसका मतलब हमारा दिमाग सही चलता है, तो 75 जो क्वेश्चन कर लिए, 25 बचे हैं, 25 में से क्या करना है, जो क्वेश्चन है उनमें देखना है कि क्या हम 2 ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं तो 2 ऑप्शन बचते हैं, 2, यानी कि उसको कहते हैं 50% की पॉसिबिलिटी, हाँ या ना, 2 ही ऑप्शन है, हाँ या ना, तो आप क्या करें कि हाँ या ना वाली जब शर्त हो तो आपको हाँ ही करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन से 2 तो खत्म कर चुके, ऑप्शन कितने बचे हैं, 2, तो इनमें से 2 आपको लगाना ही लगाना है अपने अनुमान के आधार पर, भले ही गलत हो जाए। मेरी बात को फिर से सुनना, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 25 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं 2 ऑप्शन काट सकता हूँ। अगर 75 कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 ऑप्शन काट सकता हूँ, तो मैं 2 ऑप्शन काट दूंगा, बचे ऑप्शन 2, अब इनमें से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही है, तो इसमें से एक लगा दो, इसमें से एक लगा दो, छोड़ के मत आओ, ठीक है, और आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। अब बात इनकी आ रही है, जो ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर, जिन्होंने पूरा पेपर सॉल्व किया, वो 60 ही नंबर कर पा रहे हैं। अब 60 नंबर पे तो सिलेक्शन है नहीं, अब 60 पे सिलेक्शन है नहीं तो क्या करेंगे, कुछ तो कुछ दिक्कत आ रही है। 2 एग्ज़ाम भर पाए थे, एक लेखपाल का जो 8500 वैकेंसी आई थी उसमें जो मेरिट गई थी 63-64 वैकेंसी, 64 नंबर, यानी कि 100 में से 64 नंबर अगर आपके सही थे तो आप लेखपाल के एग्जाम में, इस एग्जाम में बैठ पा रहे थे। और एक आई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की, सप्लाई इंस्पेक्टर में 86 गई थी, 86 मतलब जिसके 86 नंबर सही थे पैट में, वो बंदा सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म भर पाया, और जिसके 86 नहीं थे वो तो गया। अब ये मान के चलो कि लेखपाल में 64 नंबर जरूरी थे, जबकि बच्चे कितने थे, 18 लाख। पहली वाली बार पेपर हुआ था तो आप बहुत से लोगों को ये कंफर्म नहीं हुआ था कि पेपर का क्या पैटर्न है, अब सेकंड चांस है तो बहुत लोगों को ये आइडिया हो गया कि पेपर किस लेवल का आता है, मतलब सिलेबस बाहर नहीं आता है, अगर सही दिमाग से कंट्रोल करके अपने माइंड को पेपर सॉल्व करेंगे तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी मेरिट ज़्यादा जाननी है। अब जो बंदा कोई 60 कर रहा है तो 60 क्वेश्चन करने से तो वह सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल क्लास में देता हूँ कि मान लो अगर आपको डूब के ही मरना है, अगर डूब के ही मरना है तो अपने आसपास के किसी भी गंदे नाले में डूब के क्यों मरना। अगर मैं मरूंगा डूब के, मुझे पता है कि मरना है, जब मरना है तो डूब मरूंगा तो समुद्र में जाकर डूबूंगा, मैरियाना होगा प्रशांत महासागर में, मेरी स्ट्रेंच उसमें जाकर डूबूंगा ना, डूबना ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं
तो 60 तो 60 सही नहीं है, आप 60 ही कर पाए और आपसे नहीं हो पा रहे हैं, और 60 ही कर पाए इससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो 60 पे तो सिलेक्शन कतई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब आप पूरी साल कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे 60 नंबर पे। अब क्या करें भाई, 60 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो बिल्कुल अगर 60 ही छोड़ा है तो आप बिल्कुल ख़त्म हो, यहाँ पर तो फेल हो। मैं एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं किस्मत साथ दे जाए मेरे और जो तुक्का लगाऊं या जो अनुमान लगाऊं, जो प्रेडिक्शन लगाऊं, वो सही बैठ जाए तो हो सकता है मैं 70 पे पहुंच जाऊं, 75 पे पहुंच जाऊं, 70 तो पहुंच ही सकता हूं। तो आप क्या करें, लगभग 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आप 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और 60 से ऊपर आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन 60 छोड़ के नहीं आएंगे, आप 95 ऑप्शन लगा के आएंगे, 95 पाँच क्वेश्चन छोड़ के आना है। देखो 25% की निगेटिव मार्किंग है, चार गलत हैं तो एक क्वेश्चन गलत होगा, हाँ रख कोई एक सही क्वेश्चन कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 में तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो 60 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें 60 से ऊपर होनी चाहिए, तो हम क्या करें, तो हम 95 क्वेश्चन लगाएंगे। तो दो कैटेगरी मैंने कर दी, जिनके 70 से 75 के बीच हो रहे हैं वो क्या ऑप्शन का चूज करेंगे, 50 में से एक, मतलब 50% में से एक ऑप्शन, क्योंकि चार ऑप्शन है तो 25% की पॉसिबिलिटी है, दो ऑप्शन कट चुके हैं तो ऑप्शन कितने बचे हैं, दो, अब दो में से एक ही तो सही होगा। अब इतनी ज़्यादा ही बुरी किस्मत है, मतलब तो कहते हैं ना कि जब किस्मत बुरी होती है तो ऊँट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है, काट लेने दो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर दो ऑप्शन में काट चुका हूँ, दो रह गए, तो दो में से एक लगा के ही आऊँगा, उनको छोड़ के नहीं आऊँगा। और हर बंदा यही कहता है, और सीक्रेट ही है कि अगर आपने पेपर में अनुमान नहीं लगाया तो आप कभी भी कोई भी पेपर पास नहीं कर सकते, अनुमान लगाना ही लगाना पड़ेगा और आपके पास कोई चारा नहीं है। तो आप मेरी बात को समझो कि अगर 70 से 75 हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन कर लिए हमने, बचे हैं 25 क्वेश्चन, 25 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 15 तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें दो ऑप्शन काट चुके होंगे, दो ऑप्शन काट देंगे, दो में से एक सही लगा देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो लोग 60 कर पा रहे हैं तो 60 पे सिलेक्शन नहीं है, 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आप शायद ही कोई वैकेंसी, मुझे तो नहीं लगता कि 60 क्वेश्चन पे आप कोई भी PSSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भी वैकेंसी को देख पाएंगे। तो हम क्या करें कि 60 क्वेश्चन पे नहीं हो रहा है तो भाई किसी भी नाले में डूब के नहीं मरेंगे, जैसे हम बरेली वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ का सबसे फेमस नाला कौन सा, सुभाष नगर का नाला, तो सुभाष नगर के नाले में डूब के नहीं मरना, मरेंगे तो सीधा प्रशांत महासागर में, मेरियन स्ट्रेंच में जाकर डूब के मरेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 95 लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके जहाँ पे उंगली खेलेगी वो लगा दिए ना, आपको उसमें भी देखो आपके पास समय तो होगा ना, अगर आपके पास समय होगा तो आप क्या करें कि उसमें भी आप सोचें कि मैं ऑप्शन को रिमूव कर पाऊं, और ऑप्शन को रिमूव करके ही सिलेक्शन लिया जाता है। मैंने अपने सिलेक्शन के आधार पर बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हवा भाई मुझे पता है कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिए हैं और बंदे लोग सिलेक्शन कैसे लेते हैं, इसी आधार बोल रहा हूं कि आपको प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान लगाना ही पड़ेगा, बिना अनुमान के 100% किसी को नहीं आता है, अनुमान के आधार पर काम होता है, दुनिया के सारे काम अनुमान के आधार पर होते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, और जो लोग मैथ्स में, जैसे जिन लोगों ने मेरे से मैथ्स पढ़ा है और जिनको मैंने कंप्लीट कराया, तो वो 30 में से 30 आपके अगर 29 आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, आपके 30 में से 30 मैथ्स में सही होने चाहिए, 10 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ आएगा हिंदी के वो 10 होने चाहिए, यानी कि 40 हो गए, 3 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ इंग्लिश के आएंगे उनको भी थोड़ा सोच लेना वो भी है, यानी कि 40 और 3 42 43 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन बचते हैं, 7 क्वेश्चन में 5 हिंदी की ग्रामर आएगी और 2 आपकी इंग्लिश की ग्रामर आएगी, उसमें भी कोशिश करना कि सही करने की जितनी भी हो जाए। अब बचती है आपकी 50 नंबर की GS, 40 नंबर की GS आनी है और 10 नंबर का आपका करंट आना है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है, देखिए पता कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्रेडिक्शन के आधार पर अच्छा ये साल में पूछ रहा है ऐसा ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और हुआ होगा, मतलब ऑप्शन को रिमूव करना है, ये सोचना कि इस ऑप्शन को मैं कैसे रिमूव करके दूसरा ऑप्शन लगा दूं, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश करना, और बाकी मैंने बता दिया है कि आधार कार्ड अपना, अपनी उसकी फोटो स्टेट, 2 फोटो, रिलॉन्स के 2 पेन, 10-10 रुपये वाले, और आपने सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचे, ऐसा ना हो कि आप भगदड़ में पहुंचे, क्योंकि अगर हम स्पीड के साथ जाते हैं ना तो हम फिर माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है और हमारा मतलब माहौल ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो गया यार, लेट हो गया यार, ये हो गया वो हो गया, भागा दौड़ी नहीं कर, आराम से सुकून से जाओ, 2 घंटे पहले पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाहर एक अपनी कहीं में पॉलीथीन बिछाओ, चादर बिछाओ, अपना आराम से लेटो, आराम से बातें करो, उसके बाद मस्ती से पेपर दो, ऑफ दिमाग पे लोड नहीं लेना, ऐसा नहीं कि जबरदस्त, हाँ बहुत भाई बहुत इजी पेपर है, इजी पेपर का मतलब ये है कि हम जो तैयारी करते हैं वो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, और यहाँ पर क्या है, 100 क्वेश्चन 100 ही हैं लेकिन मिनट डबल है, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, भाई इतना आसान पेपर तो कोई भी नहीं आता है, कोई भी पेपर आसान नहीं आता, इतना आसान पेपर जो है प्री का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा लेवल भी टफ नहीं है, लेवल भी आसान है, अगर आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक अगेन, ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए और मिलते हैं बाद में।